होने के बाद से उद्धव ठाकरे ने बागियों पर पहली बार डायरेक्ट अटैक किया और कहा है कि बागियों ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। उद्धव ने कहा कि जिन्हें हमने जिताया उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। कांग्रेस एनसीपी आज भी हमारे साथ है लेकिन हमारे अपनों ने हमें धोखा दिया, ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा बीजेपी के साथ वो बिल्कुल नहीं जाएंगे, बीजेपी ने हमें कई बार धोखा दिया है। चार तस्वीरें इसी बीच आपको दिखा रहे हैं। बागियों पर उद्धव ठाकरे ने डायरेक्ट अटैक पहली बार किया। उनका यह कहना है कि सब कुछ दिया गया, एकनाथ शिंदे को मंत्री पद तक दे दिया गया, उसके बावजूद भी उन्होंने धोखा दिया। डिप्टी स्पीकर देखिए आज बागी विधायकों को नोटिस जारी कर सकते हैं और शिव सैनिक सड़कों पर उतरे भी नजर आ सकते हैं। उद्धव ठाकरे सीएम की कुर्सी पर होंगे या नहीं किसी को नहीं पता। महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार बचेगी या जाएगी किसी को नहीं पता। उद्धव ठाकरे के पास उनकी शिवसेना होगी या नहीं किसी को नहीं पता, लेकिन उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन उद्धव के दिल का दर्द फिर से जुआ पर आ गया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई बड़े बड़े बयान दे डाले। काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे दोघंही आपल्या सोबत त्यांनी त्यांच्या नेत्यांनी सोनियाजी आहेत, पवार साहेब आहेत, त्यांनी आपण आपल्या सोबत राहणार सरकार असो वा नसो त्यांनी जाहीर केलेले आहे। पाठीत पुन्हा एकदा खंजीर कोणी खुपसला तर आपल्याच लोकांनी। आता ही आपली लोक तुम्ही सगळ्यांनी रक्ताचं पाणी करून निवडून दिलेली माणसं आहेत, यांची ओळख ही शिवसेनेने म्हणजे तुम्ही शिवसैनिकांनी। अनेक जण माझ्यासमोर आज बसलेले असतील की जिथे जिथे हे आमदार निवडून आले तिथे तुमच्यातले काही जण निवडून येऊ शकत असताना सुद्धा आपण यांना उमेदवारी दिली आणि अशी लोक निवडून तुम्ही आणलेली आहात। 2.5 साल पहले जब उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से अपने सालों के संबंधों को तोड़कर बागी तेवर दिखाए तो शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि शिवसेना के सभी विधायक इससे खुश होंगे। लेकिन आज जब पार्टी टूट के कगार पर पहुंच गई है तो उद्धव ठाकरे ने ये बयान जरूर दिया कि उन्हें पार्टी में होने वाले भीतरघात का एहसास पहले से ही था। एकनाथ शिंदे बोलवलं, एकनाथ जी बघा मी तुम्हाला जबाबदारी दिलेली आहे की शिवसैनिकांची शिवसेनेची शिवसेनेच्या आमदारांची खासदारांची आणि जिल्हा प्रमुख महापालिकेची काम करण्यासाठी, पण आता त्याचं जे वळण वेगळं लागतं असं माझ्या कानावर येते हे असं असेल तर काही योग्य नाहीये। मला म्हणाले की काय साहेब की ते राष्ट्रवादी खूप त्रास देते, म्हणलं सांगा त्रास, तोंडावर बोलतो त्यांच्या, करू एक गाव दोन तुकडे करायचे तर तेही करूया ना। आमदारांचा माझ्यावरती दबाव आहे की आपण भाजपसोबत गेलं पाहिजे, म्हटलं असे कोण आमदार आहेत घेऊन या माझ्याकडे बघू आपण। शिवसेना और बीजेपी ने नजदीकियों और दूरियों का कई दौर देखा है, फिर हिंदुत्व के एजेंडे पर शिवसेना और बीजेपी मिलन से ये साबित हो गया कि उनकी ताकत को कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन सत्ता के लिए कल तक उल्टे विचारधारा वाले कांग्रेस और एनसीपी का विरोध करने वाली शिवसेना ने उनसे हाथ मिला लिया, लेकिन आज उद्धव के लिए बीजेपी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। जो भाजप आपले विश्वासघातकीपणा ने आतापर्यंत वागलेला आहे, एकदा दोनदा 14 साली युती तोडली, पण मातोश्री हे तुमचं श्रद्धास्थान आहे, तुमच्यासाठी तुम्ही ते मंदिर मानता, त्याच्यावरती वेडवाकडे शब्द बोलल्यानंतर रक्त चुकळलं जात नाही आणि जे मेडवाकडे बोलतात त्यांच्यासोबत जर का परत जायचं असेल तर म्हटलं एकच करू, कोणी कुठे जायचा याचा त्याचा विषय, पण ह्याच्यात जोपर्यंत स्पष्टता येत नाही तोपर्यंत मी एकटा मात्र ह्याच्यात येणार नाही, बाकी तुम्हाला सगळ्यांना जायचं असेल शिवसैनिकांना जायचं असेल तर जरूर जा, पण पहिला आमदार माझ्याकडे येऊ द्या, बोलू द्या, त्यांची जी काही हे असेल मग आपण भाजपसोबत जायचं नाही जायचं राष्ट्रवादीचं काय करायचं हे ठरवू, पण आमदार माझ्याकडे घेऊ द्या। उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपने संबोधन के जरिए एक बार फिर शिव सैनिकों के दिल पर चोट करने की कोशिश की। जिस सत्ता और सीएम की कुर्सी को पाने के लिए उद्धव ने 2.5 साल पहले बीजेपी के साथ दो दो हाथ कर लिए, आज जब पार्टी टूट की कगार पर है तो ये जता दिया कि उन्हें सत्ता का लालच नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या उद्धव अपने बयानों से शिव सैनिकों के दिल पर उतर कर वापस जगह बना लेंगे। शिवानी मिश्रा और अंजिता झा के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स ऑफ भारत, मुंबई।